हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्वेश राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ कुछ नया शेयर करने के लिए। फ्रेंड्स, ये मेरा मिनीचर हिबिस्कस का प्लांट है और मिनीचर हिबिस्कस क्या होता है इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। ऐसे प्लांट जिनकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी होती हैं, फूलों का साइज़ काफ़ी छोटा होता है और फूल काफ़ी गुच्छों में आते हैं, उन्हें हम मिनीचर वेराइटी बोलते हैं। ये मेरा मिनीचर हिबिस्कस का प्लांट है और हिबिस्कस आई थिंक काफ़ी गार्डनर्स का काफ़ी पसंदीदा फ्लावर होता है। और हिबिस्कस में जो सबसे कॉमन पेस्ट है वो है मिलीबग्स, वाइट मिलीबग्स। तो इस पे मुझे काफ़ी दिनों से सवाल आ रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे किसी भी प्लांट पे वाइट मिलीबग्स का अटैक नहीं था, जिसके कारण मैं इन वाइट मिलीबग्स पे कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। और लकली मुझे मेरे इस प्लांट पे वाइट मिलीबग्स का अटैक देखने को मिल गया। अभी मैं कुछ दिन के लिए बाहर गया हुआ था और लखनऊ विजिट पर गया हुआ था, तो वहाँ से जब लौटा हूँ मैं तो देखा कि मेरे इस प्लांट पर वाइट मिलीबग्स का अटैक हो गया है। तो मुझे लगा कि शायद अगर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपके प्लांट पे वाइट मिली बग्स का अटैक हुआ है। तो सबसे सिंपल सा उसका सलूशन ये है कि आप मार्केट जाएं और मार्केट से जाकर के ऐसे ही कोई पेस्टिसाइड परचेज़ कर लें जिस पे येलो कलर का सिंबल हो, उसका आप स्प्रे कर दें। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कई लोगों के पास मार्केट नज़दीक नहीं होता या फिर उनके मार्केट में पेस्टिसाइड मिल नहीं पाता है, तो उनके लिए मैं सबसे सिंपल सा सलूशन बताता हूँ आपको। मैं आपके पास कोई भी लिक्विड सॉप हो, आप लिक्विड सॉप यूज़ कर सकते हैं, आप हैंड वाश यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप किसी भी सॉप को पानी में कुछ देर के लिए डाल दें, उसे अच्छे से घोल दें। उसके बाद आप उसको अपने स्प्रे बॉटल में मिक्स कर लें। मैं अपने स्प्रे बॉटल में अपने इस हैंड वाश की कुछ बूंदें ऐड करता हूँ। इसके बाद अपने बॉटल को आप बंद करें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें इसमें। उसके बाद उसी पानी को जो आपने घोल बनाया हुआ है अपने उस प्लांट पे स्प्रे कर दें, अच्छे से नहला दें अपने पूरे प्लांट को, जहां जहां भी आपको इसका अटैक दिख रहा है। अब एक से दो दिन का आपको इंतज़ार करना है, उसके बाद आपके सारे मिलीबग्स गायब हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा वही हिबिस्कस का प्लांट है जिसपे मैंने कल लिक्विड सॉप का स्प्रे किया हुआ था, और ये हिबिस्कस का वही फूल है जो कल खिला हुआ था। फिलहाल अभी तो ये सूख गया है और यहाँ पे कुछ नए फ्लावर्स आ गए हैं जो कि भी धीरे धीरे थोड़े से बड़े हो जाएंगे। और मैं दिखाता हूँ आपको रिजल्ट जो मैंने कल स्प्रे किया हुआ था। कल मैंने यही ब्रांच आपको दिखाया था और इस पर काफ़ी ज़्यादा मिलीबग्स भरे पड़े थे, लेकिन अभी आपको मिलीबग्स दिख रहे होंगे लेकिन ये सारे के सारे डेड हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये इस पर चिपके हुए ज़रूर हैं लेकिन इनमें अब जान नहीं रह गई है। मैं कुछ मिलीबग्स यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ भी कुछ मिलीबग्स दिख रहे होंगे जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं, और इनको भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारे के सारे मरे हुए हैं, इनमें किसी में भी जान नहीं रह गई है, जो कि खुद ही धीरे धीरे अपने आप ही, अगर आप नहीं भी गिराते हैं तो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म मतलब कि गिर जाएंगे, ख़त्म तो हो ही चुके हैं, ये मर चुके हैं और ये अपने आप ही धीरे धीरे गिर जाएंगे। आप दिखाता हूँ मैं आपको, इनमें किसी में भी जान नहीं रहेगी, किसी में भी आपको कोई हलचल नहीं दिख रही होगी, तो ये धीरे धीरे अपने आप ही साफ हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।